रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स किए थे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। उसको हमने थ्री डायमेंशन में, उसके अंदर जो हीट कंडक्शन की जो अलग अलग इक्वेशन आती हैं, बायोट फोरियर हमने देखी थी, हमने पॉइसन इक्वेशन देखी थी, हमने लाप्लास इक्वेशन देखी थी। तो जो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो हमें अलग अलग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग इक्वेशन पूछ सकते थे, वो हमने सारी इक्वेशन कल हमने पढ़ी थी। अच्छा, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम थ्री डायमेंशन के लिए ही एक जनरल इक्वेशन निकालेंगे, बट इस आज की क्लास में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं करेंगे, हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। जब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि जो अजम्पशंस हैं या जो चीजें हम मान के चल रहे हैं, जैसे कि हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में मान के चले थे, ऐसे ही कुछ अजम्पशन इसमें भी है। तो सबसे पहला अजम्पशन अगर मैं बात करूं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, यही है कि इसके अंदर जो इंटरनल हीट जनरेशन है उसको हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि वो होगी, ठीक है, कि इंटरनल हीट जनरेशन के लिए स्कोप है। दूसरा, जो हमारी स्टेडी स्टेट कंडीशन है, मतलब कि जो टाइम के साथ आपका जो टेम्परेचर जो चेंज होता है वो भी होगा, मतलब कि जो कंडीशन है वो स्टेडी नहीं है, वो हमारी अनस्टेडी है इस केस में भी, ठीक है। ये तो हमारी दो ऐसी अजम्पशन हुई जो हमने पहले भी ली थी और इस बार भी ले रहे हैं, मगर एक अजम्पशन इसमें ऐसी है जो हमने पहले ली थी और इस केस में हम नहीं लेंगे, वो है हमारी, जब हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की बात करी थी तो उस केस में हमने देखा था कि जो मटेरियल है हमारा नॉन होमोजीनियस है और नॉन आइसोट्रॉपिक है। इट मींस कि मतलब लोकेशन के हिसाब से और पोजीशन और डायरेक्शन के हिसाब से हमारी थर्मल कंडक्टिविटी चेंज होती रहेगी, मगर जब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि मटेरियल हमारा होमोजीनियस है और आइसोट्रॉपिक है, विच मींस के जितनी भी डायरेक्शन में होगा और के जितनी भी लोकेशन पे होगा वो के ही होगा, के की वैल्यू कांस्टेंट होगी, के हमारा डायरेक्शन के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से चेंज नहीं होगा। इस बात का ध्यान देना कि चेंज नहीं होगा हमारा के। तो ये हमारी बेसिक अजम्पशंस है और इन बेसिक अजम्पशंस के साथ हम अपना थ्री डायमेंशन के लिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए एक अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक चीज को मार्क किया है, ये मेरा सिंपल सिलेंडर है। सिंपल सिलेंडर में जैसे कि हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में तीन डायमेंशन की बात करते हैं, एक्स वाई और जेड, तो यहाँ पे जो मेरे तीन डायमेंशन होते हैं, एक होता है आर, एक होता है जेड और एक होता है फाई। आर डिनोट्स माय रेडियल डायरेक्शन, मतलब कि देखो आज की क्लास में जब तक मैं डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूं, अपनी जो इमेजिनेशन है उसको ऑन रखना, मतलब कि जितना आप अच्छा सोच सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो अभी प्लेटफॉर्म है उसमें हम केवल सोच सकते हैं, कर तो सकते नहीं, तो अपनी इमेजिनेशन पूरी तरीके से ऑन रखना, जब भी आप जो मैं बहुत बातें बताने वाला हूं आप उसको इमेजिन कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप इमेजिन करके चलो एक सिलेंडर है और सिलेंडर का एक सेंटर पॉइंट है, जब उस सेंटर पॉइंट से हम उसको रेडियली आगे बढ़ाएंगे, मतलब कि अगर हम उसके फ्रंट की बात करें, अगर ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अगर हम फ्रंट की बात करें तो उस फ्रंट में जो उसका रेडियस है, जिस डायरेक्शन में उसका रेडियस बढ़ता रहेगा, हम उस डायरेक्शन को बोलेंगे रेडियल डायरेक्शन। एक होता है सिलेंडर की हाइट, अगर उस डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो वो होगी एक्सियल डायरेक्शन, जिसको हम जेड से डिनोट करेंगे। और इसके अंदर एक जो तीसरी डायरेक्शन है उसका नाम होता है सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन, जिसको हम डिनोट करेंगे फाई से। ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, ये आपका वो एंगल है, ये एक डायरेक्शन है जो कि एंगल से डिनोट होता है, ये आपका वो एंगल है जो कि होरिजोनटल बनाता है रेडियस के साथ। फाई इज द होरिजोनटल एंगल विद द रेडियस। एज्यूम करो कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से मैंने एक डिस्टेंस को लोकेट किया और वो डिस्टेंस मेरा आर है। जिस पॉइंट से मैंने डिस्टेंस को लोकेट किया उस पॉइंट को आप रेफरेंस पॉइंट जीरो मान सकते हो, ठीक है, और आप जहां तक आप रेडियस लेके जाना चाहते हो आप उसका रेडियस लेके चले जाइए। अच्छा, अब आपके पास दो कोऑर्डिनेट इमेजिन करो उस रेफरेंस पॉइंट से, जिस रेफरेंस पॉइंट से आप रेडियस को लेके आए हो। एक तो आप कोऑर्डिनेट इमेजिन करो जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है और एक दूसरा कोऑर्डिनेट इमेजिन करो जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। जो कोऑर्डिनेट या जो डायमेंशन आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जितना उस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मुझे आर तक जाना पड़ रहा है, उसमें जो मेरा एंगल मूव होगा वो एंगल है मेरा फाई, जिसको मैंने फाई दिया है, जो कि मेरी सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन को डिनोट करता है। अच्छा, ये जो मैंने
एक रेफरेंस पॉइंट से एक वर्टिकल डायरेक्शन और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दो का एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि जब हम अगली क्लास करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में मेरे पास एक एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ होगा और एक एंगल वर्टिकल के साथ होगा। तो इसलिए मैं दोनों अभी बता के चल रहा हूं कि आपके माइंड में एक चीज पहले से बैठ जाए कि ये जो हम जो ये एंगल ले रहे हैं इस केस में तो सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन के लिए है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ है, ऐसे ही एक एंगल आपके वर्टिकल के साथ भी हो सकता है। ठीक है, अब जो ये मेरे पास एक कंप्लीट सिलेंडर है जिसको मैंने यहां पे मार्क करा हुआ है, उस सिलेंडर का मैं बहुत ही छोटा सा हिस्सा ले रहा हूं, उस सिलेंडर का अगर मैंने एक स्मॉल वॉल्यूम डीवी ली, इसी मुझे मैंने सिलेंडर में से एक छोटी सी वॉल्यूम ली, अब आप इसको यहां पे देख सकते हो वो है मेरी ये, इसी वॉल्यूम में से मैंने छोटी सी वॉल्यूम उठाई है वो मेरी ये वॉल्यूम है। अच्छा, अब ये वॉल्यूम का कोई सेंटर पॉइंट होगा कहीं दूरी पे, उस सेंटर पॉइंट से हमारे पास एक रेडियल डायरेक्शन होगी, जो रेडियल डायरेक्शन में वॉल्यूम का एलिमेंट है क्योंकि हमने पूरा सिलेंडर तो लिया नहीं है, हमने उस सिलेंडर की छोटी सी वॉल्यूम ली है जिसकी वॉल्यूम है डीवी। ठीक है, हमने ये देख लिया सिलेंडर की तीन डायरेक्शन होगी, जब सिलेंडर की तीन डायरेक्शन होगी तो सबसे पहली डायरेक्शन उसकी किसी सेंटर पॉइंट से रेडियल डायरेक्शन होगी, तो हमारे पास उस रेडियल डायरेक्शन का डिस्टेंस आर ना होके क्योंकि हमने छोटी सी वॉल्यूम ली है तो वो हमारे पास होगा डी आर। देखिए, जहां पे इस समय कर्सर मूव हो रहा है वो है डी आर, यहाँ पे वो भी डी आर है और ये भी डी आर है और ये भी डी आर है। ये बात पे ध्यान देना है कि जो रेडियल डायरेक्शन है उसमें जो वॉल्यूम का जो स्मॉल एलिमेंट है उसको मैंने डिनोट किया है डी आर से। ऐसे ही जो मेरे पास एक्सियल डायरेक्शन थी जेड, मैं यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन को एक्सियल डायरेक्शन मान के चल रहा हूं, तो उस केस में जो मेरे पास वॉल्यूम का जो एलिमेंट है, जो वॉल्यूम का जो एलिमेंट होगा जेड डायरेक्शन में वो होगा डी जेड। अगर मैं आप मेरा कर्सर देख सकते हो तो ये मेरा कर्सर है, ये है डी जेड, ये भी डी जेड है, ये जो डॉटेड लाइन है ये भी डी जेड है और ये भी डी जेड है। अच्छा, जो हमारे पास तीसरी डायरेक्शन है वो है सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन। सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन को मैंने डिनोट किया है एक एंगल से, और उस एंगल से जब डिनोट किया है, मगर जब हम स्मॉल वॉल्यूम लेके चल रहे हैं उस वॉल्यूम में जब आप ध्यान दोगे तो मैंने उस वॉल्यूम में सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन का जो स्मॉल एलिमेंट है उसको डिनोट किया है आर डी फाइ से। देखो, यहां पे मेरा कर्सर मूव हो रहा है आर डी फाइ, ये भी आर डी फाइ, ये जो डॉटेड लाइन है ये भी आर डी फाइ और ये भी आर डी फाइ। अच्छा, ये बात अब मुझे समझ में नहीं आई कि जब हम रेडियल डायरेक्शन की बात कर रहे थे उस केस में तो मेरे पास जो स्मॉल एलिमेंट था dr था, ठीक है, जब हम एक्सियल डायरेक्शन की बात कर रहे थे जो मेरे पास वॉल्यूम का स्मॉल एलिमेंट था वो dz था, बट जब हम सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन की बात करते हैं उस केस में मेरे पास जो स्मॉल एलिमेंट है वॉल्यूम का वो d phi ना हो के r d phi क्यों है। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जब हमने इसकी स्मॉल वॉल्यूम ली है यहां पे हम जो स्मॉल एलिमेंट देख रहे हैं वो एक लेंथ है, ठीक है, और लेंथ एंगल में नहीं हो सकता, हमने जो फाई लिया है वो एक एंगल है, तो हमने क्या किया है आर डी फाई को जो एंगल था जो फाई था वो एक एंगल था उसको हमने आर डी फाई एक लेंथ में चेंज किया है। अब उसको एक लेंथ में कैसे चेंज किया है फिर से देख लेते हैं। मैंने एक अलग से डायग्राम और बना रखा है जिसको मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, वो ये मेरे पास एक डायग्राम है। देखिए, ये मैंने कोई सेंटर लाइन एज्यूम कर रखी है, इस सेंटर लाइन से एक मेरा डिस्टेंस मूव हो रहा है आर और ये भी मेरा डिस्टेंस आर है क्योंकि चारों डायरेक्शन में जो आर होगा वो तो मेरा सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने पढ़ लिया है कि जो फाई है, फाई मेरा हॉरिजॉन्टल एंगल है विद द रेडियस, तो जब मैंने ये एक रेफरेंस लाइन ली या सेंटर लाइन ली वहां से मैंने एक हॉरिजॉन्टल एंगल बना लिया फाई विद द रेडियस आर, ठीक है। जब ये बाहरी का एंगल फाई है तो जब हम इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं जिसको मैं डीवी मान के चल रहा हूं तो जो ये एंगल अंदर का जो एंगल है वो फाई की जगह हो जाएगा डी फाई। भाई, जो उसका हॉरिजॉन्टल एंगल जब हम पूरी वॉल्यूम के लिए बड़े सिलेंडर की बात करते हैं तो वो होता है फाई। हमने क्या है, हमने एक स्मॉल वॉल्यूम ले रखी है, उस स्मॉल वॉल्यूम में जो आर के साथ जो एंगल बनेगा वो फाई ना बन के डी फाई बनेगा, तो डी फाई मैंने अंदर की तरफ दिखा रखा है और ये मुझे पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इस केस में जो ये आर्क है
ये आर्क है और ये मेरे पास थीटा है और ये मेरे पास रेडियस है आर, तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो जो ये आर्क है, दिस आर्क जहां पे अभी कर्सर घूम रहा है, ये आर्क हो जाएगी मेरी आर डी फाई। अगर आपको ध्यान दे पा रहे हो तो जहां पे अभी ये कर्सर जा रहा है, ये कर्सर क्योंकि स्मॉल एलिमेंट को शो कर रहा है, ये है रेडियल डायरेक्शन की तरफ, तो इसको मैं डिनोट करूंगा डी आर से, यहां पे मैंने लिखा नहीं है, बट डी आर हमने पहले ही समझ लिया था, बट ये मैंने केवल कॉन्सेप्ट या ये डायग्राम मैंने अलग से इसलिए बता रखा है क्योंकि यहां पे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आर डी फाई कहां से आया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आपको पता चल गया होगा कि आर डी फाई कहां से आया। मैं डायग्राम पे जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि डायग्राम समझ जाओगे तो डेरिवेशन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। अब फिर से अपने इस वाले डायग्राम की तरफ आते हैं। इस वाले डायग्राम में अब मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास तीन डायमेंशन है, आर डायमेंशन या आर डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन और सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन। आर डायरेक्शन में जो मेरे पास वॉल्यूम का एलिमेंट है वो है डी आर, एक्सियल डायरेक्शन में जो मेरे पास वॉल्यूम का एलिमेंट है वो है डी जेड, और जो सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में जो मेरे पास वॉल्यूम का एलिमेंट है वो है आर डी फाई। ये हमें पता है जब हम फोरियर लॉ इस्तेमाल करते हैं एक डायमेंशन के लिए, जो उसके अंदर एरिया आता है वो एरिया हीट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। तो हम पहले इसमें ये भी देख लेते हैं कि हमारी जो हीट है इनपुट तीन डायरेक्शन से होएगी और आउटपुट तीन डायरेक्शन से होगी। तो सबसे पहले जो रेडियल डायरेक्शन से क्यू आर हीट अंदर होएगी, तो उसमें से जो हीट बाहर निकलेगी वो निकलेगी क्यू आर प्लस डीआर। इस केस में रेडियल डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर एरिया है, ये बात का ध्यान देना है, रेडियल डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर एरिया है वो मेरा होगा, ये मैंने दिखा रखा है आर डी फाई मल्टीप्लाई बाई डी जेड। ये मैंने परपेंडिकुलर एरियाज के लिए मैंने अलग से यहाँ पे नोटेशन नोट डाउन करी हुई है। जब मैं रेडियल डायरेक्शन की बात करूंगा उस केस में जो परपेंडिकुलर एरिया होगा वो होगा आर डी फाई मल्टीप्लाई बाई डी जेड। ऐसे ही जब मेरी हीट एक्सियल डायरेक्शन से अंदर घुसेगी क्यू जेड, तो बाहर निकलने वाली जो हीट होगी वो होगी क्यू जेड प्लस डी जेड, ऊपर वाले डायग्राम में देख सकते हैं। तो उस केस में जो परपेंडिकुलर एरिया होगा इस वाली हीट के, वो परपेंडिकुलर होगा डी आर मल्टीप्लाई बाई डी, नहीं डी आर मल्टीप्लाई बाई आर डी फाई क्यू जेड के लिए। ऐसे ही जब हमारी हीट एंटर होगी सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन के लिए, उसका जो हीट इनलेट होगा वो होगा क्यू फाई, और उस केस में जो हीट आउटलेट होगा वो होगा क्यू फाई प्लस डी फाई, और उस केस में जो परपेंडिकुलर एरिया होगा वो होगा हमारे पास डी आर इंटू डी जेड, क्योंकि जो क्यू फाई है वो मेरी यहां से एंटर हो रही है। मैं उसको अलग से दिखा देता हूं, ये जो एरिया है यहां से मेरी क्यू फाई लग रही है, और इसके जो परपेंडिकुलर एरिया है उसमें मेरे पास जो एरिया हो जाएगा डी आर इंटू डी जेड। तो ये बात हुई हमारे तीनों एरिया की। तो अब हम तीनों डायरेक्शन में एक एक करके हीट इनपुट हीट आउटपुट निकालेंगे। हमारा मेन एम ये है, हम हीट इनपुट और हीट आउटपुट एक डायरेक्शन में इसलिए निकाल रहे हैं सो दैट हम तीनों डायरेक्शन के लिए टोटल हीट स्टोर निकाल सकें। जब हम तीनों डायरेक्शन के लिए टोटल हीट स्टोर निकाल लेंगे तो हमें नेट हीट एक्यूमुलेटेड मिल जाएगी वन, उसके बाद हम निकालेंगे हीट जनरेशन इन द सिस्टम टू, और उसके बाद हम देखेंगे टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फिर उसको हम 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 कर देंगे, और फाइनली हमें एक अपना फाइनल रिलेशन मिल जाएगा थ्री डायमेंशन हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो आगे बढ़ते हैं, जब आगे चलते हैं तो ये देखो, ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो इसमें k कांस्टेंट है तो अजम्पशन की बात नहीं करेंगे। तो यहां पे आते हैं, तो जब हम हीट इनपुट की बात करते हैं, मैंने इसको ब्लू मार्क से डॉट कर दिया, तो क्यू डैश आर, सबसे पहले हम हीट इनपुट की बात करेंगे आर डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा क्यू डैश आर इज इक्वल टू माइनस के ए डेल टी बाय डेल आर इनटू डी टाउ। डी टाउ क्योंकि हम इसलिए लेके चल रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहले मेरे पास रेट ऑफ हीट फ्लो का डी टी था वो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, टाउ हमारा टाइम है यहाँ पे। अच्छा, और जो बाकी जो मेरे पास है माइनस के ए डेल टी बाय डेल आर, ये मेरे पास फोरियर इक्वेशन होती है सिंगल डायमेंशन के लिए। अच्छा, एक बात का ध्यान देना है, जब हम आर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारे पास उस डायरेक्शन में जो वॉल्यूम का स्मॉल एलिमेंट था, हमने डेल टी की रिस्पेक्ट में उसको लिया है डेल आर,
ठीक है, तो वो हमारे पास रिलेशन होंगे माइनस के ए डेल पी बाय डेल आर इंटू डेल्टा ओ। ए की जो वैल्यू है, एरिया की वैल्यू है, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ क्या थी। रेडियल डायरेक्शन के केस में आर डी फाई इंटू डी जेड थी, उसको मैंने यहाँ लिख दिया और सेम टू सेम रिलेशन वही आ गया। तो ये मेरी हीट इनपुट हो गई इन केस ऑफ रेडियल डायरेक्शन। उसके बाद हम आते हैं हीट आउटपुट इन केस ऑफ रेडियल डायरेक्शन, जिसको हम डिनोट करेंगे क्यू डैश आर प्लस dr। ये जो स्मॉल dr है, ये है कि अगर हमने लेंथ dr ट्रेवल कर दी तो आउटपुट में जो हमें हीट मिलेगी वो हमें ये मिलेगी। इसको मैंने टेलर सीरीज से ऐसा एक्सपेंड कर दिया है और हमें पता है कि r डायरेक्शन में कितनी हीट मेरी स्टोर हुई है। उसको निकालने के लिए हम हीट इनपुट माइनस हीट आउटपुट करेंगे और जब हीट इनपुट माइनस हीट आउटपुट करेंगे तो मेरे को एक रिलेशन ये मिल जाएगा, विच इज माइनस डेल बाय डेल आर ब्रैकेट ऑफ माइनस के आर डी फाई डी जेड ब्रैकेट बंद डेल टी बाय डेल आर डी टाओ ब्रैकेट बंद इनटू डी आर। अच्छा, एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, ब्रैकेट के बाहर जो मेरे पास एक वेरिएबल चीज है वो है रेडियस डी आर डेल आर। तो इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी रेडियल कंपोनेंट है उसको हम ब्रैकेट के अंदर छोड़ देंगे क्योंकि वो डिपेंडेंट है, और जो बाकी चीजें हैं उनको हम कांस्टेंट मान के बाहर ले आएंगे। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारी चेंज हो जाएगी, के डी फाई डी जेड डी आर इंटू डेल बाय डेल आर इंटू डेल बाय डेल आर ऑफ डेल टी बाय डेल आर इंटू डी टाओ। डी टाओ को चाहूं तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉमन लेके लिख सकता था और राइट हैंड साइड में भी। अच्छा, अब जो यहाँ पे ये रिलेशन है इसको मैं दोबारा से हाईलाइट करता हूँ, ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल बाय डेल आर ऑफ आर डेल टी बाय डेल आर। कई बुक्स अगर आप इसको रेफर करोगे इसको यहाँ पे डेरिवेट कर भी रखा है और किसी को कई बुक्स ने इसको यहाँ डेरिवेट नहीं भी कर रखा है। तो मैंने क्या है इस स्टेप को यहाँ पे अलग से एक बार दोबारा डेरिवेट किया है। सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन लॉ लगाएंगे तो पहली बारी में आर को डेरिवेट करेंगे दूसरा कॉन्स्टेंट, प्लस अगली बारी में डेल टी बाय डेल आर को डेरिवेट करेंगे और आर कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस हिसाब से जब मैं इस वाले पॉइंट को डेरिवेट किया, इस वाले लाइन को मैंने डेरिवेट किया, बाकी तो सारा कांस्टेंट हो, बाकी तो सारा सेम टू सेम नीचे वैसे ही आ जाएगा। जब इसको डेरिवेट किया तो यहाँ पे आया आर डेल टू टी बाय डेल आर स्क्वायर प्लस डेल टी बाय डेल आर स्क्वायर। जब इसको डेरिवेट किया तो मुझे यहाँ पे ये मिला और बाकी सारा सेम है, ठीक है। अब जो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बेटा जो मुझे यहाँ मिल जाती है वो इक्वेशन है मेरे पास ये, के डी फाई डी जेड डी आर इंटू आर डेल टू फाई डेल टू टी बाय डेल आर स्क्वायर प्लस डेल टी बाय डेल आर इंटू डी टाउ। अब इसमें हमारा एक काम है, मतलब कि ये एक नेचुरल स्टेप नहीं है कि जो आएगा ही आएगा, मगर ये हमें अगले स्टेप में क्या करना है वो बताएगा। ये मतलब कि एग्जैक्ट नहीं, कभी आप कहो कि सर ये तो नियमों के विरुद्ध है, हाँ ये नियमों के विरुद्ध हो सकता है, मगर ये एक तरीके का चीट कोड है कि अब हम इसके बाद क्या करें। देखिए, हमें पता है कि जो हमारी फोरियर इक्वेशन होती है वो होती है के, इसमें एक आता है थर्मल कंडक्टिविटी का कांस्टेंट, उसके बाद आता है एरिया, उसके बाद आता है एक टेम्परेचर ग्रेडियंट, और उसके बाद आता है वहां पे डीटा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ दिखा दिया। अब मैं जो मेरी यहाँ पे जो मुझे रिलेशन मिला है, मैं इसको मार्क कर देता हूं एक बार, यहां जो ये रिलेशन मिला है ना, मुझे इस रिलेशन को कंपेयर करना है अपनी फोरियर इक्वेशन से। फोरियर इक्वेशन से कंपेयर करके मुझे क्या है, जो ये एरिया, देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपनी इस वाली इक्वेशन से, के की जगह मुझे के मिला हुआ है, एरिया की जगह मुझे वॉल एलिमेंट लेना है जो कि मेरे वॉल्यूम के अंदर थे। मैं फिर रिपीट करता हूं, एरिया की जगह मुझे वो एलिमेंट लेने हैं जो कि मेरी वॉल्यूम के अंदर थे। मैं फिर से जाता हूं अपनी वॉल्यूम के ऊपर, मेरी वॉल्यूम के अंदर तीन एलिमेंट थे, क्या क्या एलिमेंट थे, डी आर थे, डी जेड थे और आर डी फाई, ये तीन एलिमेंट थे मेरी वॉल्यूम के अंदर। अब मैं आता हूं अपने दोबारे इस इक्वेशन के ऊपर, जब मैं अपने इस इक्वेशन के ऊपर आता हूं तो मैं देखता हूं तो मेरे पास यहाँ पे डी फाई है, डी जेड है, डी आर है एरिया के नाम पे, मगर यहाँ पे एरिया नहीं, यहाँ पे डी वी है। मैं बस अपने लिए एक चीट कोड बना के चल रहा हूँ कि मुझे अगला स्टेप क्या करना है। तो यहाँ पे कंप्लीट वॉल्यूम होनी चाहिए, इस वाले पॉइंट पे कंप्लीट वॉल्यूम होनी चाहिए, और मेरे पास कंप्लीट वॉल्यूम के लिए यहाँ पे एक आर की कमी है जो कि डी फाई के साथ है। तो इसलिए अगला स्टेप मैं क्या लूंगा, इसको कंप्लीट डी वी बनाने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आर कर दूंगा, ठीक है। ये एक चीट कोड है, नेचुरल स्टेप नहीं है। तो ये जो मेरी इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन पे अगला स्टेप आता है मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन एंड डिवाइड बाय दिस इक्वेशन बाय
आर, और ये अब आपको पता चल गया है हमने आर से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्यों किया है। मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि मुझे उसकी वॉल्यूम जैसा कुछ मिल जाए, और जब कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड हमें करना ही पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास रेडियल डायरेक्शन में जो हीट स्टोर है वो मुझे मिल जाएगी के आर डी फाइव डी जेड डी आर इंटू डेल टू टी बाय डेल आर स्क्वायर प्लस वन बाय आर डेल टी बाय डेल आर इंटू डी टाउ। लेट आप अगर आप लिख रहे हो तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर वन डिनोट करके रखिए। अब आप जब इसको आगे बढ़ेंगे, अभी हमने क्या है, जब हमने क्यूब वाला पार्ट किया था या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला पार्ट किया था, उस केस में हमने सिमिलरली करके कर दिया था कि वाई डायरेक्शन में भी ऐसा हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में भी ऐसा हो जाएगा। बट जब हम सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, उस केस में हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए अलग से डिराइव करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब हम फाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, फाई कोऑर्डिनेट में हीट इनपुट हमारे पास कितनी है, माइनस के ए डेल टी बाय डेल फाई। फिर रिपीट करता हूं, इस केस में डेल टी बाय आर डी फाई इसलिए हो गया क्योंकि फाई डायरेक्शन में जो वॉल्यूम का एलिमेंट था वो आर डी फाई था, केवल डी फाई नहीं था, इसलिए यहां पे डेल टी बाय आर डी फाई इंटू डी टाउ हो जाएगा। ऐसे ही हीट इनपुट, अच्छा डी आर और डी जेड ये वो परपेंडिकुलर एरिया है जो फाई की डायरेक्शन में जब हीट इनपुट होती है वो एरिया लगता है। ऐसे ही हमने फिर हीट आउटपुट निकाला क्यू डैश फाई प्लस डी फाई, उसके लिए मैंने टेलर सीरीज रखी। अच्छा जब टेलर सीरीज को भी एक्सपेंड किया तो डेल बाय आर डी फाई किया है और मल्टीप्लाई बाय केवल डी फाई ना करके आर डी फाई किया है, ये बात आपको ध्यान से नोट करनी है। और जब आप इसको कॉपी पे नोट करोगे जब भी आपको इसकी डिफिकल्टी समझ में आएगी कि सर क्या बात बता रहे हैं, ये वर्बली मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि ये चीज कैसे है, तो आई होप कुछ लोग इसको कॉपी पे जरूर नोट डाउन कर रहे होंगे, नहीं तो आप लोग रट्टा मारने में समर्थ हो, ठीक है। ऐसे ही करके जब हम हीट इनपुट माइनस हीट आउटपुट करेंगे तो हमें फाई डायरेक्शन में भी एक रिलेशन मिल जाएगा, और वो रिलेशन हमें कुछ ऐसा मिलेगा। उस रिलेशन में भी अगर हमें जरूरत पड़ी, इस वाले स्टेप में भी अगर हमें जरूरत पड़ी, अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट मिसिंग है उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे सो दैट हमें डीवी की रिस्पेक्ट में जितने भी कॉम्पोनेंट है वो आ जाए, और ऐसे ही हमें यहाँ पे फाई डायरेक्शन में जो हीट स्टोर्ड है वो मिल गई है। और फाई डायरेक्शन में जो हीट स्टोर्ड है वो है मेरे पास के डी आर डी जेड आर डी फाई मल्टीप्लाई बाय वन बाय आर स्क्वायर इंटू डेल टू टी बाय डेल फाई स्क्वायर इंटू डी टाओ। ऐसे ही जब हम जेड डायरेक्शन की बात करेंगे तो जेड डायरेक्शन में जो डी जब हम जेड डायरेक्शन की बात करेंगे ऐसे ही हम हीट इनपुट निकालेंगे, हीट इनपुट का ये रिलेशन होगा, हीट आउटपुट निकालेंगे, टेलर सीरीज एक्सपेंड करेंगे, हीट इनपुट माइनस हीट आउटपुट करेंगे, और फाइनली मुझे जेड डायरेक्शन में भी एक रिलेशन मिल जाएगा। जब मैं आर डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन और सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन की बात करता हूं, इन तीनों डायरेक्शन के रिलेशन को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे मिलेगी नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन दैट स्मॉल वॉल्यूम, जो स्मॉल वॉल्यूम हमने सिलेंडर की डीवी मान के चली है, तीनों डायमेंशन में हमारी कितनी हीट अंदर आई, कितनी हीट बाहर गई, मगर कुछ हीट हमारी बीच में रह गई, जिस हीट को हम कहते हैं नेट हीट एक्यूमुलेटेड। तो वो नेट हीट एक्यूमुलेटेड मुझे यहाँ पे जो मैं तीनों रिलेशन पहले निकाले हैं उनको जब मैं ऐड कर दूंगा डी क्यू डैश आर प्लस डी क्यू डैश फाइव प्लस डी क्यू डैश जेड, मतलब कि रेडियल डायरेक्शन में हीट स्टोर, सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में हीट स्टोर और एक्सियल डायरेक्शन में हीट स्टोर, उसका मेरे को यहाँ पे सम मिल जाएगा क्योंकि तीनों में के डी आर डी जेड आर डी फाई और डी टाउ कॉन्स्टेंट थे, तो मल्टीप्लाई में मुझे एक ऐसा रिलेशन मिल जाएगा, बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम आएंगे, अभी हमने पहला स्टेप पूरा किया है कि हमारी कितनी हीट एक्यूमुलेट हो रही है सिस्टम में। अगला स्टेप होता है कि हमें ये निकालना है कि कितनी हीट हमारा सिस्टम जनरेट कर रहा है, हमारा सिस्टम अपनी हीट कितनी जनरेट कर रहा है। तो हमारा अपनी सिस्टम कितनी हीट जनरेट कर रहा है उसके लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है, हीट जनरेटेड मल्टीप्लाई बाय जितनी भी वॉल्यूम होती है मल्टीप्लाई बाय टाइम, सिंपल वो हमारे पास आ जाएगा। तो इतनी हमारी सिस्टम के अंदर हीट जनरेट हो रही है, क्यू जी मल्टीप्लाई बाय डी आर मल्टीप्लाई बाय आर डी फाई मल्टीप्लाई बाय डी जेड, डी आर आर डी फाई और डी जेड मेरे पास वॉल्यूम के हर डायरेक्शन में रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में उसकी लेंथ है, और डी टाउ मेरे पास टाइम है जिसकी रिस्पेक्ट में हम हीट को निकाल रहे थे, बट इसको हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई कर लिया। तो
तो ये मेरा पार्ट भी आ गया। ऐसे ही अगर हम सिस्टम की हीट स्टोर, मतलब कि जो सिस्टम के पास अपनी हीट होती है या अपनी एनर्जी होती है, जिसको हम इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं पूरी सिस्टम की, उसको हम डिनोट करते हैं एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। क्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू टी डेल्टा टी, आपने पहले पढ़ ही रखा है। मास को मैंने चेंज किया है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, रो इंटू आर डी फाई आर डी जेड डी आर इंटू डी जेड। सी को स्पेसिफिक हीट को मैंने स्पेसिफिक हीट ही रहने दिया है, क्योंकि जो ये मेरा डी टी है, ये मेरा टेम्परेचर है। अगर मैं आपको एक बात ध्यान दूं, यहाँ पे ये जो मेरा डी टी है, यहाँ पे मुझे स्मॉल टी लिखना चाहिए था, ये डी टाओ नहीं। लेट से लेट कितना जा सकते हैं सुबह, क्या कह रहे हो? हेलो बेटा, प्लीज कोई आवाज नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो डी टी है, जो मैंने ब्लू डॉट से मार्क कर रखा है, ब्लू कलर से मार्क कर रखा है, ये जो चेंज इन टेम्परेचर है और ये वाला भी चेंज इन टेम्परेचर है। बस मैंने गलती ये कर दी कि मुझे यहाँ पे स्मॉल टी लिखना चाहिए था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट, और जो मेरे पास जो टेम्परेचर है यहाँ पे, वो मेरे टाइम के डिपेंडेंट है। और ये जो ये वाला जो पार्ट है, ये शो करता है कि जो सिस्टम है मेरे पास अनस्टडी है, मतलब कि टेम्परेचर मेरा, हाँ टेम्परेचर मेरा टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, ये वाला पार्ट मेरा वो शो होता है। तो नेट अब मैं कर सकता हूँ, सिस्टम में जो हीट एक्यूमुलेट हुई है प्लस में जो हीट जनरेट हुई है, वो मेरी बराबर है हीट टोटल एनर्जी के। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी जब मैं करता हूं, तो पूरे सिस्टम में मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है, विच इज के डेल टू टी बाय डेल आर स्क्वायर प्लस वन बाय आर डेल टी बाय डेल आर प्लस वन बाय आर स्क्वायर इंटू डेल टू टी बाय डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल टू टी बाय डेल जेड स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस क्यू जी इज इक्वल टू रो सी डेल टी बाय डेल टाउ। अच्छा, अब आप कहोगे सब में से r d phi d z और d r कहां चले गए, वो सब में कॉमन थे और इसलिए वो सब में से कट गए। यही काम d tau का है, वो तीनों a b c तीनों में कॉमन था, इसलिए वो तीनों में कट गया। अब इस पूरी इक्वेशन को मैंने k से डिवाइड किया, जब इस पूरी इक्वेशन को मैंने k से डिवाइड किया तो मुझे ये वाला रिलेशन मिल गया, विच इज दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास बचा है डेल टू टी बाय डेल आर स्क्वायर प्लस वन बाय आर डेल टी बाय डेल आर प्लस वन बाय आर स्क्वायर डेल टू टी बाय डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल टू टी बाय डेल जेड स्क्वायर। अच्छा, इसमें जो शुरू के ये दो रिलेशन है, ये है रेडियल डायरेक्शन की वजह से, ये वाला जो रिलेशन है 1 बाय आर स्क्वायर डेल टू टी बाय डेल फाई स्क्वायर, ये सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन के लिए, और ये वाला जो रिलेशन है डेल टू टी बाय डेल जेड स्क्वायर, ये एक्सियल डायरेक्शन के लिए। क्यू जी बाय के, ये वाला जो रिलेशन है इस इक्वेशन में, ये है हीट जनरेशन के लिए, और 1 बाय अल्फा डेल टी बाय डेल टाउ, ये अल्फा होता है हमारी थर्मल डिफ्यूजिविटी, ये मैंने कल की क्लास में बताया था, विच इज इक्वल टू के अपॉन रो सी। और ये वाला जो वाला पार्ट है मेरी इक्वेशन में, ये अनस्टेडी हीट फ्लो के लिए। तो हमने जो जो अजम्पशन करके चली थी कि मेरे पास के कांस्टेंट है, हीट जनरेशन होगी और सिस्टम मेरा अनस्टेडी है, उसके हिसाब से जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, जो थ्री डायमेंशन में मेरे पास इक्वेशन है, वो मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है। अब इस इक्वेशन में चाहूं तो मैं कुछ स्पेशल केसेस भी जोड़ सकता हूं, आप इस स्पेशल केसेस को पढ़ लीजिए। इतने में आप लोगों की अटेंडेंस लेना शुरू करता हूं, मुझे लगता है टाइम भी होने वाला है। इसमें मैंने दो स्पेशल केसेस को दिखा रखा है, एक है मेरे पास स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर विद हीट जनरेशन, इंटरनल हीट जनरेशन। तो उस केस में क्या है, जो स्टेडी स्टेट की वजह से जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो मेरा जीरो हो जाएगा, और अगला मैंने ले रखा है स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर विद नो इंटरनल हीट जनरेशन। तो उस केस में जो हीट जनरेशन वाला पार्ट है वो भी जीरो हो जाएगा, और राइट हैंड वाला जो पार्ट है वो भी जीरो हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे 3D हीट कंडक्शन इक्वेशन विद नो हीट जनरेशन एंड स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। हम चाहें, जो मैंने कल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा था और जो आज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पढ़ा है, इसी को मैं वन डायमेंशन में भी चेंज कर सकता हूं। अगर जब मैं अपने कार्टेशियन वाली इक्वेशन को वन डायमेंशन में चेंज करूंगा, तो किसी भी डायमेंशन के लिए पार्ट या तो एक्स वाला ले लूं, वाई और जेड वाला जीरो कर दूंगा, या तो वाई वाला ले लूं, एक्स और जेड वाला जीरो कर दूंगा, या तो जेड वाला ले लूं, एक्स और वाई को जीरो कर दूंगा। अगर मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, तो हम प्रेफर, जब भी हम प्रेफर करेंगे वन डायमेंशन के लिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो उस केस में सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन और एक्सियल डायरेक्शन वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो उस केस में अगर मैं बात करूं वन डायमेंशन हीट कंडक्शन इक्वेशन विद स्टेडी स्टेट एंड नो इंटरनल हीट जनरेशन, तो उसका आंसर होगा डेल टू टी बाय डेल आर स्क्वायर प्लस वन बाय आर डेल टी बाय डेल आर, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन को ही हम वन डायमेंशन में मान के चलेंगे। क्लियर है? तो मैं आज की क्लास खत्म करता हूं, जिसको जो डाउट है वो पूछ सकता है। और हाँ, अगला जो हमारा टॉपिक है जब